आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपके बीच में कुछ ऐसी बातों को लेकर आया हूं। दोस्तों आज मैं आपसे कुछ ऐसी बातें करना चाहता हूं, साझा करना चाहता हूं, जो कि काफ़ी अहम है और मैं देख रहा हूं कि काफ़ी वो सुर्खियों में है, खासकर सोशल मीडिया में और मेनस्ट्रीम मीडिया में भी लोग बहसबाजी कर रहे हैं, लोग बकर बकर कर रहे हैं, या आप कहें कि हमारे दिमाग का भूसा निकाल रहे हैं, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बिहार में जो नवनिर्वाचित जो विधानसभा भी गठित हुई है, वहाँ पर एक विधायक हैं जो AIMM के जो विधायक हैं, उन्होंने कहा कि मैं जो शपथ लूँगा तो शपथ के दौरान मैं हिंदुस्तान शब्द का उपयोग नहीं करूँगा, मैं भारत शब्द का उपयोग करूँगा क्योंकि ये संवैधानिक नाम है इस देश का, तो इसलिए मैं भारत का शब्द का जो है इस्तेमाल करूँगा। तो इसको लेकर लोग बहसबाजी कर रहे हैं कि यार हिंदुस्तान क्यों नहीं कहा उन्होंने। अरे मैं कहता हूँ कि उन्होंने सही कहा। भारत का नाम, इस देश का नाम क्या है? आप अगर पढ़े लिखे हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि भारत के संविधान में क्या नाम है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप जैसे लोगों को बता दूं जो फालतू की इस बहस में, जो विधायक जी ने कहा बिल्कुल सत्य कहा, मैं उनका पूरा समर्थन करता हूं, पढ़े लिखे हैं लगता है, लेकिन आप गवारों की तरह बात कर रहे हो। अरे जो बात संवैधानिक है वही बात उन्होंने कही। भारत के संविधान में भारत, दैट इज इंडिया, भारतीय संविधान में इस देश का नाम भारत है और अंग्रेजी में इसे इंडिया कहा जाता है, बस इतनी सी बात है। अब इस पर बहस नहीं होनी चाहिए। बहस इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि संविधान में हिंदुस्तान नाम का कोई भी शब्द नहीं है, ठीक है दोस्तों। इसलिए इस बात पे यदि आप बहस करोगे तो लोग कुतर्क करेंगे, लोग जो तथ्य नहीं है ऐसे आधारहीन तथ्यहीन बातें आपके सामने रखेंगे, इसलिए बहस मत कीजिए। भारतीय संविधान के अनुसार जो भी हमें गाइडलाइन दी गई है, सिर्फ एक नेता के लिए नहीं, एक विधायक या सांसद के लिए नहीं, इस देश के रहने वाले हर नागरिक को जो भी गाइडलाइन दी गई है, जो प्रावधान जो कहते हैं, जो अनुच्छेद या जो अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं, उसके अनुसार हर देश के नागरिक को अपना जीवन यापन करना चाहिए। उसके अनुसार, उस गाइडलाइन के हिसाब से यदि हम इस देश के अंदर में कोई भी काम करें, कोई भी बातचीत करें, तो बहुत ही अच्छी होगी। तो दोस्तों इस विषय पर ज़्यादा बहस मत कीजिए। मेरा मानना सिर्फ एक है, भारतीय संविधान में इस देश का नाम भारत है और अंग्रेजी में इंडिया कहते हैं, बस दैट्स ऑल। और दूसरी दिलचस्प बात और बताना चाह रहा हूँ जो कि बेकार की बात है। आप कहेंगे कि बेकार की बात है तो क्यों बताना चाहते? दोस्तों बेकार की बात है, मैं इसलिए इस बात को बताना चाह रहा हूँ आपके सामने क्योंकि इस समय हमारे देश के अंदर में बेकार की बातों पर ज़्यादा बहस हो रहा है। दोस्तों आप जानते हैं कोरोना काल के पहले, आप कहेंगे सरकार बार बार कह रही है कोरोना संकट की वजह से देश की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, कोरोना संकट की वजह से महंगाई बढ़ गई, सरकार अपनी जो नाकामियां है ना उसे छुपाने के लिए कोरोना का नाम ले रही है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब कोरोना संकट इस देश के अंदर में आया नहीं था तभी इस देश में जो बेरोजगारी की जो दर है ना पिछले कई सालों के रिकॉर्ड को तोड़ चुकी थी, मतलब बद से बदतर हो गई थी। तो बेरोजगारी का आलम बेकार हो गया था, देश में जितने भी शासकीय संस्थान थे सब निजीकरण हो रहे थे, सब अंबानी अडानी को बेचे जा रहे थे, देश में जो महंगाई चरम पर पहुंच चुकी थी, देश के अंदर में धर्म और जातिवाद के नाम पर लोग विवाद कर रहे थे, दंगे हो रहे थे, दिल्ली का दंगा आपको याद ही होगा। आज जो आप ये स्थिति देख रहे हैं, ये स्थिति कोरोना काल आने से पहले ही देश के अंदर में अपनी दस्तक दे चुका था। और कोरोना संकट आया, लॉकडाउन हुआ, उसके बाद तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस देश के अंदर में जो प्राइवेट संस्थानों में काम करते हैं, निजी उद्योगों में जो लोग काम करते हैं, जिनकी सैलरी मान लीजिए 50,000 थी, 1,00,000 थी, जिनकी सैलरी 10,000 थी, जिनकी सैलरी 25,000 थी, आज वो आधी पेमेंट ले रहे हैं, आधी पगार ले रहे हैं। जो बेचारे 25,000 20,000 कमाते थे आज उनके हाथ में 5,000 आ रहा है।
आज उनके हाथ में 5,000 आ रहा है, आज उनके हाथ में 10,000 आ रहा है। और महंगाई कहाँ है? आलू और प्याज की अगर बात करूं तो उसके भाव क्या है आपके शहर में, आप खुद बखूबी जानते होंगे। आप पेट्रोल की बात कर लीजिए, डीजल की बात कर लीजिए, जब आप 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की यात्रा करते थे 10 रुपये लगते थे, आज वहीं पे 30 रुपये लग रहे हैं। ये छोटी छोटी बातें दोस्तों, महंगाई ने बिल्कुल हमारा जीना दुभर कर दिया है। हमें बिल्कुल कहना चाहिए जब पैसा ही नहीं आ रहा है, मैं तो अभी बात कर रहा हूँ, कुछ लोगों को पैसे, कुछ लोगों को आधी पेमेंट मिल भी रही है, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको नौकरियों से निकाला जा चुका है। तो दोस्तों, जो मेन स्ट्रीम मीडिया देख रहे हैं, जो सोशल मीडिया में जिस विषय पर आप बहस कर रहे हैं, तो क्या दोस्तों इन विषयों पर कहीं कोई चर्चा कर रहा है? वे दो वक्त की जो रोटी है उसका जुगाड़ बराबर अच्छे से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? आखिर उनकी स्थिति क्या है इस समय? आखिर उनकी जो दयनीय स्थिति है उसको कैसे उभारा जाए इस स्थिति से? इस पर कोई चर्चा हो रही है? नहीं हो रही दोस्तों। चर्चा काय की हो रही है? लव जिहाद की, मतलब प्यार करोगे तो जिहाद हो गया दोस्तों। मतलब इस आधुनिक भारत के अंदर में यदि देश की सरकार के पास सबसे बड़ी कोई समस्या अगर नजर आ रही है, तो देश की जो सरकार है और जो मेनस्ट्रीम मीडिया है, उसके लिए सबसे बड़ा मुद्दा इस समय है लव जिहाद। लव जिहाद, मुख्तार अब्बास नकवी जो कि भाजपा के बड़े नेता हैं, शहनवाज हुसैन भाजपा के नेता हैं, ऐसे काफ़ी नाम है, दर्जनों नाम आपको मैं बता सकता हूं। क्या इन्होंने लव जिहाद किया था? भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछिएगा कभी समय मिले तो। लेकिन दोस्तों, आजकल ये करे तो राष्ट्रवाद और दूसरा आदमी करे तो लव जिहाद, दूसरा आदमी करे तो अपराध, दूसरा आदमी करे तो गैरकानूनी, दूसरा आदमी करे तो धर्म खतरे में आ जाता है। तो दोस्तों, ऐसे विषय पर आपका ध्यान मोड़ा जा रहा है, ऐसे विषय पर आपका ध्यान को केंद्रित किया जा रहा है, क्योंकि देश की जो अहम समस्या है उस समस्या से आपका ध्यान, उस समस्या पर आपका ध्यान ना जाए। दोस्तों, आज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इस देश के अंदर में सबसे अहम क्या होना चाहिए, आपके लिए सबसे अहम क्या होना चाहिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। यदि मान लीजिए कोरोना काल चल रहा है, तो आपके लिए अच्छा जो चिकित्सालय है, अच्छी जो स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं, वो उस पर विचार होना चाहिए ना, उस पर आपको केंद्रित होना चाहिए ना, सरकार का ध्यान उस विषय पर होना चाहिए ना कि हम इस देश के अंदर में कैसे अच्छे हॉस्पिटल बनाएं। हम वैक्सीन आ रही है, चुनाव आएंगे तो बोलेंगे हम बिहार वालों को फ्री में दे देंगे, इस प्रकार की बातें हो रही है दोस्तों। तो दोस्तों, इस प्रकार की बातों से कुछ नहीं होता है। आप सबको ये तय करना पड़ेगा कि जो भी मुद्दे, जो अहम मुद्दे हैं, जिस मुद्दे पर चर्चा हमें करना चाहिए, ऐसे मुद्दे पर आप ध्यान दीजिए। और ये जो टीवी जो आप देख रहे हैं, जो न्यूज़ देख रहे हैं, न्यूज़ के नाम पर जो पत्रकार, जो पैनल जो बैठा रहता है, जो बकर बकर करता है, जो ऐसा लगता है कि टीवी फोड़कर आपके घर के अंदर घुस जाएगा, आपके घर में जो शांति बनी हुई है थोड़ी बहुत अच्छा लगता है, आप कहीं से बाहर से आए हैं, थक हार के आए हैं, लेकिन जैसे आप टीवी चालू करते हैं तो कभी कभी तो मुझे डर लगता है कि ये लोग कहीं टीवी फोड़कर बाहर ना आ जाएंगे और पूछने लग जाएंगे आपसे, पूछता है भारत। मेरी बातें जरूर हंसी मजाक की तरह लग रही है, लेकिन बहुत गंभीर बातें हैं। इसलिए मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ, जानबूझकर सरकार के द्वारा और मीडिया एक माध्यम है, जानबूझ के सरकार के द्वारा और मीडिया एक माध्यम है, उसके माध्यम से आप लोगों का ध्यान देश की जो अहम समस्या है, आपकी जो अहम समस्या है, मेरी जो अहम समस्या है, हर भारतवासी की जो अहम समस्या है, उससे ध्यान हटाया जा रहा है। लोग चर्चा कर रहे हैं कि ईवीएम में जो ईवीएम के माध्यम से जो चुनाव होते हैं वो गलत होते हैं, उसमें कुछ लफड़े होते हैं, उसमें कुछ घोटाले होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा हो रहा है। तो दोस्तों, ऐसे विषय पर लोग बहस करें, ऐसे विषय पर लोग चर्चा करें, इसका क्या समाधान हो सकता है? आखिर जब लोकतंत्र इस देश में चल रहा है, जब जो मतदाता है या जो राजनीतिक दल है उनका भरोसा ही इस व्यवस्था पे नहीं है, तो ऐसी व्यवस्था किस काम की? ऐसे विषय पर बहस होनी चाहिए। तो दोस्तों, बहस के बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन वो मुद्दा सिर्फ आप चाहिए जिससे आपका विकास हो सके, वो मुद्दा ये होना चाहिए जिससे इस देश में खुशहाली और शांति और विकास आ सके, उसी मुद्दे पर बहस होनी चाहिए। लेकिन अफसोस, इस देश के अंदर में जानबूझ के, मैं एक बार फिर से कहूंगा, कि बहस करवाई जाती है ऐसे विषयों की जिस विषय से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही।